हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं भूल भलिया है टू को जो कि भूल भलिया वन का सीक्वल है मगर कहानी इस बार कुछ नई और रिफ्रेशिंग है और करेक्टर्स भी नए हैं कहानी की शुरुआत एक हवेली से होती है जहां बहुत सारे पंडित मिलकर एक आत्मा को जो है अपने वश में करने की कोशिश कर रहे होते हैं आत्मा उसी दौरान जो है वो बुरी आत्मा चूँकि होती है तो उसी दौरान एक लेडी को प्रोजेस्ट कर लेती है और हमें यहाँ पर नज़र आता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि तबू होती है जो इस स्टोरी की मेन लीड भी है जब तब् को प्रोजेस्ट कर लेती है तो पंडित बहुत मुश्किल से बड़ी तंत्र विद्या की मदद से कोशिश करके उस आत्मा को खींचते खींचते हवेली के सबसे आखिरी कमरे की तरफ़ ले जाते हैं और वहाँ पर उस आत्मा को बंद कर देते हैं वो आत्मा चूँकि मंजूलिका की होती है उसको बंद करने के बाद वहाँ पे वो भैरव कवच लगा देते हैं और यूँ ये हवेली जो है वो बंद हो जाती है और काफ़ी साल के बाद जो है हम इस हवेली तक कोई नहीं आता मतलब काफ़ी साल तक इस हवेली में कोई नहीं आता तो सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट जहाँ पे कार्तिक आर्यन अपनी फैमिली के हमरा शिमला गया होता है और छुट्टियाँ मना रहा होता है और वो एक केबल कार में होता है कार्तिक आर्यन का नाम इस फिल्म में रूहान होता है रूहान अपनी फैमिली के साथ केबल कार में होता है और वहीं पर उसे नज़र आती है इस फिल्म की हीरोइन कायरा एडवानी यानी कि रीत और रीत दूसरी केबल कार में होती है और वो इशारे करके कार्तिक आर्यन यानी कि रूहान को बता रही होती है कि मेरा बैग वहाँ पे है वही रूहान पहली बार कायरा अडवा को देखता है यानी कि रीत को देखता है तो दोनों के दरमियान वहाँ पर आई कॉन्टेक्ट होता है और वो उसे कहती है कि वहाँ पर मेरा बैग है तुम उसको मैं बाद में तुमसे ले लूँगी इशारों ही इशारों में बताती है जब रूहान उसके बैग को देखता है तो बैग पे डिटेल्स और बाकी सारी चीज़ों से उसको जो रीत होती है यानी कि कायरा अडवाणी उसका फेसबुक अकाउंट भी पता चल जाता है और वहाँ से उसको पता चल जाता है कि रीत कहाँ से आई है क्या करती है क्या नहीं करती कहाँ जा रही है उसका ऑकोपेशन क्या है जब वहाँ से वो केबल कार से उतरने के बाद जब वो वीत को उसका बैग देने के लिए जाता है तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन देखे इंप्रेस करने की कोशिश करता है जिस पर रीत उसे कहती है कि मैं इस तरह की छोरी बातों से इंप्रेस होने वाली नहीं हूँ तुम मुझे इस तरह की बातों में ना फंसाओ तो उसी दौरान वो उसने मजीद चीज़ें चीज़ भी बताता है जिस पर रीत उसे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ये सारा कुछ फेसबुक से देख के मुझे बता रहे हो और मैं तुम्हारे चक्कर में आने वाली नहीं हूँ तुम जैसे कई मेरे आगे पीछे फिरते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है रीत जो कि राजस्थान से होती है वो एक ठाकुर फैमिली से होती है जबकि रूहान दीदी से होता है और एक रंधावा फैमिली से होता है तो इन दोनों ने नेक्स्ट चंडीगढ़ जाना होता है वो चंडीगढ़ में पड़ रही होती है तो जब रास्ते में उनकी फ़्लाइट देर हो को देर हो जाती है वो दोनों एक ही बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो रूहान उसे कहता है कि तुम काफ़ी टाइम से चंडीगढ़ में हो लेकिन तुमने यहाँ के फेस्टिवल इन्जॉय नहीं किए यहाँ के फेस्टिवल बहुत अच्छे होते हैं ट्रस्ट फ्लाइट तो वैसे ही लेट हो चुकी है कुछ घंटे तो मेरे साथ गुजार रहा हो जिस पर रीत हामी भर लेती है और जहाँ पे एक और सॉन्ग आता है उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो दोनों वापस आते हैं तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका होता है वो चंडीगढ़ जा रही होते हैं और उनमें से कोई भी बच नहीं पाता तो रीत जो है वो अपने घर को और करके बताने की कोशिश करती है कि वो जिंदा है यहाँ पर हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है कि रीत अपने घर चूँकि जा रही होती है तो वहाँ पे उसकी शादी होती है और वो अपनी शादी के लिए अपने घर जा रही होती है लेकिन रूहान को ये बात पहले नहीं पता होती बाद में पता चलती है जब रीत अपनी घर गोल करती है तो किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है लाइन भी डिस्टर्ब हो जाती है तो सब रो रहे होते हैं वहाँ पे काफ़ी सोख का माहौल होता है तो उससे पता चल जाता है कि सब मुझे मुर्दा समझ रहे हैं और इसी दौरान हमें यह भी देखने को मिलता है कि जिसके साथ रीत की शादी हो रही होती है उसका और उसकी बहन का अफेयर चल रहा होता है तो उन दोनों की शादी के लिए रास्ता हमवार हो जाता है वहाँ पर रीत जो है रूहान से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो रूहान कहता है कि मैं तुम्हारी किस तरह से हेल्प करूं कहती है कि अब घर में मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो ही चुकी है क्रिएट हो चुकी है तो सबको यही लगता है कि मैं चूंकि मर चुकी हूं तो अब मेरी बहन और जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी यानी कि सचिन और मेरी बहन की शादी हो जाएगी तो जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक तो तुम मेरे साथ रहो तो रूहान कहता है मैं तो हम लोग रहेंगे कहाँ पर जिस पर रीतु उसे बताती है कि मेरे घर के साथ जो है वो एक हवेली है वहाँ पे हम लोग रह लेंगे और तुम टेंशन ना लो वो हवेली काफ़ी अरसे से बंद है और सीन जहाँ से शिफ्ट होता है हवेली की तरफ अठारह साल के बाद रीत और रूहान उस हवेली में कदम रखते हैं यानी कि मंजोलिका की आत्मा को जो है वो कैद करने के बाद वहाँ से अठारह साल तक कोई नहीं गया होता बड़ी हवेली जो नई हवेली होती है वो भी वहाँ से कुछ फासले फासिले ही होती है और पुरानी हवेली जिसमें मंजोलिका की आत्मा कैद होती है वहाँ पे अट्ठारह साल बाद ये दोनों जाते हैं लेकिन इसी दौरान वहाँ पर वहाँ से छोटा पंडित गुजरता है और जब वो हवेली की कुछ लाइट्स ऑन होते देखते हैं तो वो फ़ौर बड़ी हवेली की तरफ दौड़ता है और घर वालों को जाके बताता है कि आपकी हवेली में आत्मा शायद वापस आ चुकी है क्योंकि मैंने हवेली की लाइट्स को जलते हुए देखा है सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि घर में ऑलरेडी काफ़ी टेंशन सारे घर वाले फ़ौर बड़ी है, पुरानी हवेली की तरफ़ आते हैं तो वहाँ पे कायरा अद्वानी और यानी कि रीत और रूहान को पता चल जाता है कि घर वाले सारे इधर ही आ रहे हैं तो वो क्या कहता है वो रीत को छुपा देता है और उस सामने ही बैठ जाता है घर वाले उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम कौन हो तो वो कहता है कि मुझे रीत यानी कि रीत की आत्मा ने भेजा है कि आप लोग सारे जो है वो यहाँ मिल के रहें रीत यही चाहती है तो घर वाले सारे उसकी बात मान लेते हैं नेक्स्ट डे हवेली की सारी सफाइयाँ वहाँ से शुरू हो जाती हैं और घर वाले सारे वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं होता कि रीत जिंदा है और रूहान जो है वो नाटक कर रहा है और सब जो है उसे यही समझते हैं कि रूहान रीत जो है वो रूहान की से बातें करनी आती है यानी कि रीत की आत्मा रूहान से बातें करने के लिए आता है यहाँ पे बहुत सारे हमें फ़नी सीन्स भी देखने को मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो कार्तिक आर्यन यानी कि रूहान घर वालों से बहुत सारे काम करवाता है ये कह के कि रीत ऐसा चाहती है रीत ऐसा चाहती है और घर वाले भी उल्लू बन रहे होते हैं इसी दौरान हमें बड़े पंडित और पंडिताइन जो है वो देखने को मिलते हैं वो भी अब ढोंगी बन चुके होते हैं और वो आगे बड़ी महारानी को बताते हैं कि ये सब कुछ झूठ है लेकिन हमें ये भी देखने को मिलता है कि बड़ा पंडित और उनकी वाइफ़ एक ज़माने में काफ़ी अच्छी ज्योतिषी दो, थे और उनकी पेश की गई भविष्यवाणी काफ़ी हद तक सच साबित होती हैं इस वजह से लोग उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं दूसरी तरफ रूहान रूहान को सब रू बाबा के नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं और रूहान सब में काफ़ी फेमस हो जाता है और रू बाबा बन जाता है और वो जो चाहता है वो काम करवाता है और उसको भी पता चल जाता है बड़ी पंडित और उनकी वाइफ की सच्चाई उसको भी पता चल जाती है कि ये अब लोग डोंगी हैं और उस दौरान वो उनसे भी काफ़ी मजाक करता है काफ़ी प्रेन करता है दूसरी तरफ जब पुरानी हवेली में सारे शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे सचिन और रीत की बहन की शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से शुरू हो जाती हैं क्योंकि पहले जो रीत की शादी होने वाली थी अब वही शादी की तैयारियाँ जो होती हैं उसकी बहन के लिए होने लग जाती है और उन दोनों की शादी होने वाली होती है और कायरा अदवानी और रूहान यानी कि रीत और रूहान दोनों की यहाँ पर लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है और दोनों छुप छुप के मिल रहे होते हैं और अभी तक किसी को पता नहीं होता कि रीत जो है वो ज़िंदा है एक रात ऐसा होता है कि चाचा जी और यानी कि रीत के चाचा जी और रूहान दोनों मिलकर दारू पी रहे होते हैं और दारू के नशे में चाचा जी उसे कहता है कि अगर ये हवेली प्रोजेस्ट ना होती है और जहाँ पे आत्मा ना होती तो आज इस हवेली यानी कि इस प्रॉपर्टी की दाम जो है वो करोड़ों में होते यार तेरी तो आत्माओं से अच्छी बातचीत है तू तो उससे बात क्यों नहीं करता उस टेटलमेंट करवा दे ताकि वो ये छोड़ के चले जाए और इस हवेली का हमें काफ़ी अच्छा दाम मिल जाए देखना कितनी बड़ी हवेली और ऐसे पड़ी है इस पर रूहान जोश में आ जाता है और वो दोनों जो है उस कमरे की तरफ़ चले जाते हैं जहाँ पे मंजूली का कैद होती है और वो त्रिशूल निकाल देता है यानी कि कवच टूट जाता है और जो अठारह साल पहले पंडितों ने कवच लगाया होता है भैरव कवच वो यहाँ पर त्रिशूल के निकालने से तो टूट जाता है और मंजोली का आज़ाद हो जाती है लेकिन रूहान और चाचा जी को ये बात पता नहीं चलती और वो दोनों कमरे के अंदर भी नहीं जाते तो वो दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं नेक्स्ट डे रूहान और रीत दोनों बात कर रहे होते हैं कि छोटा पंडित जो है वो उन दोनों को देख लेता है और वो सब घर में शोर मचा देता है उसे पता चल जाता है कि ये नाटक चल रहा है रीत जो मरी ही नहीं रीत तो अभी तक जिंदा है और सबको इकट्ठा करके बताता है तो सारे घर वाले उसे ढूंढने में लग जाते हैं तो रूहान और रीत दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब रीत को कहाँ छुपाया जाए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनकी बहन की जो है वो शादी में कोई अड़चन आए तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इसे जो है वो मंजोली के कमरे में छुपा दिया जब वो हड़बड़ी में उन, 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 रीत को मंजोलिका के कमरे में छुपा देते हैं मंजोलिका वहाँ पे हमें देख नज़र आती है कि तबू जो है यानी कि मंजोलिका वहाँ पे हमें नज़र आती है और अगले दिन जब आ, मिलने के लिए जाता है वहाँ पे रूहान तो कायरा अदवानी जो है वो इस तरह का कर डांस करती है कि रूहान को लगता है कि इसके अंदर जो है वो मंजोलिका की आत्मा आ गई है वो कुछ इस तरह से बिहेव कर रही होती है लेकिन वो एक्चुअली में मजाक करती है तो उसके अंदर मंजोलिका की आत्मा नहीं आई होती नेक्स्ट डे शादी की तैयारियाँ चल रही होती हैं इसी दौरान पंडित उसे सबको कहता है पंडित और बड़ी पंडित सबको कहती हैं कि रू बाबा यानी कि रूहान असल में एक ढोंगी है लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता और अभी वो ये सब कुछ नॉर्मली होता है लेकिन इसी दौरान रूहान कुछ अनयूजल चीज़ें नोटिस करता है कि गर्मी अक्सर जगहों पर तोड़ फोड़ हो रही है बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर जा रही हैं खुद ब खुद लाइटें ऑन हो रही हैं बंद हो रही हैं और काफ़ी हादसा पेश आ रहे हैं तो रूहान जो है वो यही समझता है कि मंजूरिका की आत्मा ये कर रही है दूसरी तरफ को भी यही लगता है कि शायद उसकी वजह से जो मंजोलिका की आत्मा है वो आजाद हो चुकी है और वो सब कुछ ये कर रही है यहां पे हमें एक फ्लैशबैक में एक स्टोरी देखने को मिलती है Uh, क्योंकि जब रूहान असली वाकयात की तय तक पहुँचने की कोशिश करता है तो वो मुकम्मल गेटअप इस तरह का बना लेता है रू बाबा बारा कहता है कि मैं असली वाकयात को खोज लगा के ही रहूँगा तो उसको पता चलता है कि काफ़ी साल पहले इस गाँव में एक फैमिली आती है और उनकी दो बेटियाँ होती हैं जो बेसिकली जुड़वा होती हैं यानी कि ट्विंस होती हैं और उन दोनों की जो है वो स्टडी एंड टैलेंट एक जैसा ही होता है दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं लेकिन कुछ रीजन्स की वजह से मंजोलिका और अंजोलिका दो बहनें होती हैं और उनकी जो पापा होते हैं वो अंजो यानी कि अंजोलिका से ज़्यादा प्यार करते हैं और मंजोलिका को ये बात अच्छी नहीं लगती धीरे धीरे वो अपने बाप से दूर हो जाती है और वो कुछ ऐसी चीज़ें करने लगती है जैसे कि तंत्र विद्या सीखने की कोशिश करती है और उसका बाप उसको काफ़ी डांटता है लेकिन वो बाज नहीं आती है और घरवालों से छुप छुप के रात को गोरियों के पास जाती है और वहाँ पे तंत्र मंत्र पढ़ती है और आत्माओं को काबू करने का तरीका सीखने की कोशिश करती है रफ़्त रफ्तार टाइम गुजरता जाता है मंजोलिका की नफ़रत जो है वो भी बढ़ती जाती है एक दिन ऐसा होता है कि दोनों यानी कि अंजोलिका और मंजोलिका अंजो और मंजो दोनों ठाकुर की हवेली में डांस करने के लिए जाते हैं तो ठाकुर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि दोनों में से मैंने एक को अपनी बेटे के लिए पसंद कर लिया यानी कि दोनों में से एक जो है वो मेरे बेटे की बहू बनेगी मेरे बेटे की वाइफ बनेगी सब जो है वो बहुत खुश होते हैं जहाँ यहाँ पर मंजोलिका कुछ ये लगता है कि शायद वो लड़की मैं हूँ दूसरी तरफ जब ठाकुर कुछ दिनों के बाद दुपट्टा उड़ाने के लिए आते हैं तो वो वो अंजोलिका को उड़ा देते हैं और मंजोलिका ये देख के हजरत का शिकार हो जाती है और वो बहुत जायज़ फ़ील करती है और वो सोचती है है कि मैं बदला लेके ही रहूंगी और इसी दौरान वो यूँ करती है कि वो एक रात जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो वो जाती है और जाके उसके पति को मारने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पे अंजोलिका आ जाती है और वो मंजोलिका के कमर में छुरा खोम देती है वहाँ पे खंजर मार देती है उसे वो मर जाती है और वो उसका जो शोहर होता है वो उस अपनी ताकतों की वजह से उसके ऊपर वश कर लेती है और उसको जो है वो गिरा के पैरालाइज़ कर देती है वो सारी उम्र के लिए पैरालाइज हो जाता है उसका दर्द जो है वो काम नहीं करता और इसी दौरान वो चूँकि आत्मा बन जाती है वो हवेली हले हवेली में भटकती फिरती होती है और हवेली में भटकने के बाद वो घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो वो एक पंडित को बुलाते हैं पंडित खुद और अपनी सारी सामग्री लेके अपने बालिकों के साथ आता है और वहाँ पे भैरव कवच जो है की मदद से उसको कैद कर देते हैं यहाँ तक स्टोरी होती है लेकिन इसी दौरान जो है मंजोलिका की आत्मा रूहान में भी आ जाती है और वो उसको अपने वश में कर लेती है यानी कि यहाँ पे रूहान भी प्रोजेस्ट हो जाता है और वहाँ पे एक अरजीत की आवाज़ में गाना लगता है जहाँ पे रूहान डांस करता है घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि पहले ही मंजौलिका आज़ाद थी अब रू यानी कि रूहान बाबा के अंदर भी मंजौलिका की आत्मा आ गई उसने प्रोजेस्ट कर लिया अब तो हमारी जान बहुत खतरे में है इसी दौरान चाचा जी की नज़र रीत के ऊपर पड़ती है तो वो खुश हो जाता है वो कहता है अगर ए एप्रीत आत्मा अगर तू एक बुरी आत्मा है तो हमारे पास भी एक प्रोटेक्टिंग आत्मा है और वो रीत को कहता है कि आधा रीत तू मेरे अंदर आ जा और मैं इससे फाइट करूँगा जो यहाँ पे उन सब घर वालों को दो शौक़ मिलते हैं नंबर वन शौक तो ये मिलता है कि जिसे वो अब तक मुर्दा समझ रहे होते हैं यानी कि रीत वो तो मरी ही नहीं होती वो तो असल में ज़िंदा होती है ये पहला शौक होता है और दूसरा शौक़ ये मिलता है कि अठारह साल पहले जिसकी आत्मा को उन्होंने कैद किया था वो असल में मंजोली का नहीं अंजोली का थी और जहाँ पर हमें ये स्टोरी कार्तिक कार आर्यन यानी कि रूहान की जबानी पता चलती है कि वो कहता है कि कुछ दिन पहले जब मैं आत्मा के वश में आ गया था तो इसने मुझे मान की बजाय मुझे छोड़ दिया था तो रूहान पूछता है तो आप क्या भाभी हैं क्योंकि बुरी आत्माएँ तो कभी छोड़ती नहीं हैं जिस पर आत्मा यानी कि अंजोलिका उसे सारी स्टोरी बताती है वो कहती है कि मंजोली का चूँकि मुझसे बहुत ज़्यादा जलती है मुझसे बहुत ज़्यादा जेल्स फील करती है तो वो ऐसा कहती है कि अपने तंत्र विद्या की मदद से मुझे अपने कंट्रोल में कर लेती है और घर वालों पर भी अपने तंत्र मंत्र की मदद से काबू करने की कोशिश करती है एक रात वो मेरे कपड़े पहन लेती है मेरे गहने पहन लेती है और मेरे सर पर बबूत लगा देती है जिससे सबको यही लगता है कि मैं मंजोलिका हूँ और वो अंजोलिका है और इस और जब वो मेरे शोर के कमरे में जाती है तो मेरे शोर को पहले ही सच्चाई पता चल गई होती है और वो उसका रास फाश करने ही जा रहे होते हैं कि उसको छत से गिरा के नीचे मार देते हैं छत से गिरा के मार नहीं देते छत से गिरा के इसको पैरालाइज कर देते हैं और वो मुझे मार देती है और सब घर वालों को यही लगता है कि वो अंजोली का है और मैं मंजोली का हूँ लेकिन एक्चुअली में आ, मंजोली का वो है यानी कि मंजोली का आ, जो आप लोगों के साथ अंजो बन के रह रही है वो मंजोली का है और मुझे जिसे आप मंजोली का समझ रहे हैं मैं असल में अंजोली का हूँ तो यहाँ पे अंजोलिका और मंजोलिका की काफ़ी फ़ाइट्स होती है दोनों बुरी स्पीड्स की जब फाइट होती है तो अंजोलिका चूंकि अब एक स्पीड बन चुकी तो होती है तो उसकी पावर्स ज़्यादा होती हैं तो वो मंजोलिका को हरा देती है उसे मार देती है उसे दोबारा उसी कमरे में बंद करके बैरव कवच लगा देती है और यहाँ पर सारे घर वाले हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप नेक्स्ट किस मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं ये भी आप कमेंट में बताइएगा मैं आपके लिए वही मूवी जो है वो एक्सप्लेन करूंगी और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मूवी अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केयर